तो इसे हम लोगों ने बाय कर लिया है। बहुत ही जहर वाला बंडल है भाई। हे गाइस, जैसे कि यहाँ पे दिवाली इवेंट के टाइम हमें जो कि लग्जरीज कॉस्ट्यूम कॉमबैक इन द मैजिक स्टोर आ चुका है गाइस। इसका मतलब है कि सब जो इतना भी लीजेंडरी मैजिक क्यूब का जो कि बंडल है, सब कुछ आप लोगों को कॉमबैक कर दिया है। देख सकते हो मैजिक क्यूब कॉमबैक, मैजिक क्यूब स्टोर कॉमबैक। ओके, तो यहाँ पे लग्जरी कॉस्ट्यूम्स यानी बहुत सारा जो कि आप लोगों को कॉस्ट्यूम जो कि पुराना पुराना भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस इवेंट के टाइम, जो कि आप लोगों को मैजिक स्टोर में अपडेट कर दिया गया है। और ये क्यों कर दिया गया है, दिवाली इवेंट के टाइम इसलिए किया है। ओके, तो यहाँ पे देख लो हमें जो कि दिवाली इवेंट के टाइम मैजिक क्यूब भी तो मिल ही रहा है। इसके साथ ही साथ इन लोगों ने मैजिक क्यूब स्टोर में भी जो कि अपडेट कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ कितना तारीख तक है, 14 तारीख तक ही है। ओके भाई लोग, 14 तारीख तक ही है, उसके बाद फिर से हट जाएगा ये सभी। और क्या कुछ है, कौन सा बेस्ट है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें से कौन सा आप लोगों को लेना चाहिए, इनमें से आप लोगों को कौन सा जो कि कॉस्ट्यूम बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, और कौन सा आप लोगों को लेना चाहिए, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा कॉस्ट्यूम कौन सा है जो कि हमारा मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट हुआ है। ओके, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि इसमें हिप हॉप बंडल या फिर ब्रेकडांस बंडल है या नहीं है, क्यों नहीं दिया वो भी बात करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में आप लोगों को घंटा दिखेगा उसे ऑल पे प्रेस कर दो गाइज। ओके, और एक लाइक ठोक दो, लाइक में कंजूसी मत करना गाइज। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पे कलेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे देख लो गाइज, यहाँ पे क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है गाइज कुछ इवेंट पे। ये हो भाई, इवेंट पे ओपन कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हम इवेंट से बैक कर देते हैं। तो लग्जरी कॉस्ट्यूम अपडेट कर दिया गया है हमारा जो कि मैजिक क्यूब स्टोर में। ओके, तो मैजिक क्यूब स्टोर में हमारा जो कि अपडेट कर दिया गया है, तो मैजिक क्यूब स्टोर में ही डायरेक्ट चलते हैं गाइज। ओके, मैजिक क्यूब स्टोर में ही चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ मैजिक क्यूब स्टोर। रिडीम सेक्शन में आइए, यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को जो कि कॉस्ट्यूम देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप लोगों का मेरा इंटरनेट थोड़ा सा ये है, तो मैं पहले इंटरनेट को सही कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक बंडल को आप लोगों को दिखाऊँगा और कौन सा बेस्ट है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। सो गाइस, जो कि हमारा मैजिक क्यूब स्टोर में देख सकते हो सब कुछ बंडल जितना भी दिया गया है, वो सब में से कौन सा अच्छा है और कौन सा आप लोगों को लेना चाहिए वो भी बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये फीमेल वाला बंडल देखने को मिल रहा है। तो उतना कुछ खास नहीं है बंडल, देख सकते हो, तो कुछ उतना खास नहीं है। सिल्वर टाइटन बंडल, ओके, चलो इसका कुछ खास नहीं है। और इसके बाद बात कर लेते हैं ये जो कि हमारा ऑलरेडी डायमंड रॉयल पे आ चुका था। ओके, डायमंड रॉयल पे आया था ये, उतना कुछ खास नहीं है, रोबोट की तरह दिखता है, देख सकते हो, कुछ उतना कुछ खास नहीं है ये डायमंड, ये जो बंडल है। ओके भाई लोग, तो इसे भी मत लेना गाइस, उतना कुछ खास नहीं है, देख सकते हो, कोई खास नहीं है भाई, रोबोट की तरह दिख रहा है और कुछ खास नहीं है इस बंडल में, तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। ओके, तो सबसे बेस्ट कौन सा है वो भी बताऊंगा, लेकिन इसका हेयर स्टाइल जो है ना गाइस, वो थोड़ा सा अच्छा है। ओके, हेयर स्टाइल में उतना कुछ बुरा ही नहीं है, देख सकते हो, हेयर स्टाइल थोड़ा सा अच्छा है। ओके, तो अगर आप लोग हेयर स्टाइल के लिए लेना चाहते हो, अगर आपके पास बहुत सारा डायमंड है, तो अगर आप लोग के पास ये बंडल नहीं है तो निकाल लो। ओके, उतना भी खास भी नहीं है, मत निकालो मेरे हिसाब से। उसके बाद ये जो बंडल आता है फीमेल वाला, तो बहुत ही ओपी बंडल है, आप लोग अगर निकालना चाहते हो, जिसके पास नहीं है निकालो गाइस, और फीमेल बंडल आप लोगों को पसंद है तो ये निकालो, और फीमेल वाला कोई है तो यही निकालो गाइस, बहुत ही ओपी लग रहा है ये बंडल। और भी बताऊंगा कि कौन सा आप लोगों को लेना चाहिए, ऐसे आप पूरा वीडियो को देखो। उसके बाद ये जो आ जाता है क्या, ईगल का। ओके, तो यहाँ पे कुछ उतना खास नहीं है ये बंडल। ओके, लड़की का बंडल उतना कुछ खास नहीं है। ओके, तो आप लोग चाहो तो निकालो, आपका मर्जी है लड़की का बंडल, लेकिन बता देता हूँ आप लोग को, ये जो बंडल है ये भी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोग देखो इतना इसका जो लुक्स है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो आप लोग इसे अगर आप लोग के पास ज़्यादा मैजिक क्यूब है तो ये निकाल सकते हो, ये देख सकते हो, उतना कुछ खास नहीं है ये बंडल, मेरे हिसाब से मत निकालो गाइस, ये भी कुछ उतना खास नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये वेनम वाला जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये आप लोगों को देख लो गाइस, भाई साहब उतना ईगल जैसा टाइप लग रहा है, लेकिन रोबोट रोबोट जैसा लग रहा है भाई, देख सकते हो इसका, ये देख लो जो कि लोहा से बना गया है वो ऐसा लग रहा है। तो आप लोग अगर लेना पसंद आ रहा है तो निकाल लो गाइस, इतना कुछ खास भी नहीं है ये बंडल। ओके, तो रोबोट की तरह बीच में दे दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को लेना नहीं चाहिए ये बंडल। ओके, उसके बाद दूसरा ये जो आ जाता है वेनम वाला ही है। ओके, तो यहाँ पे देख लो इसका जो कि बहुत ही ओपी लग रहा है भाई, इसका बंडल बहुत ही ओपी है भाई, देख सकते हो ओपी है, ओपी बोलो तो ओपी है, लेकिन उतना कुछ खास भी नहीं है। ओ भाई साहब, पेंट लेकिन बहुत ही मस्त है भाई, देख सकते हो पेंट क्या है भाई, पेंट देखो भाई,
लेकिन इसका पीछे की तरफ थोड़ा सा एक लंबा दे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी पेंट मस्त है गाइस। अगर आप लोग पेंट के लिए लेना चाहते हो तो ये जो कि आप लोग के लिए मस्त रहेगा गाइस मेरे हिसाब से पेंट के लिए। उसके बाद बात करें तो ये जो आ गया है हमारा गोल्ड रॉयल में, ये शायद डायमंड रॉयल में आ चुका था, और उतना कुछ खास नहीं है, लड़की का बंडल है और उतना कुछ खास भी नहीं है, कुछ है नहीं इस बंडल में देख सकते हो। लेकिन पीछे की तरफ जो कि उतना कुछ खास नहीं है गाइस, ओके कोई बात नहीं है। उसके बाद लड़की का बंडल में आप लोग ये भी निकाल सकते हो, बहुत ही ओपी बंडल है गाइस देख सकते हो। क्या ही बोलूं गाइस, क्या ही बोलूं ये बंडल के बारे में। ओके अगर आप लोग लड़की का बंडल निकालना चाहती हो तो गाइस ये एक बंडल निकाल लो, बहुत ही मस्त है। ओके नहीं तो आप लोग ये निकाल सकते हो, ये भी बहुत ही मस्त है गाइस अगर आप लोग के पास नहीं है तो। और उसके बाद बात कर लेते हैं लड़का का बंडल में कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पे देख लो गाइस ये जो कि बंडल बहुत ही मस्त है गाइस, बंडल में बोलूँ तो बहुत ही मस्त है, अभी के हिसाब से ये बंडल बहुत ही मस्त है। और मैं अभी आगे भी बताऊँगा और लास्ट में बताऊँगा कि कौन सा आप लोगों को बेस्ट बंडल लेना चाहिए। तो ये बंडल बहुत ही मस्त है देख सकते हो यहाँ पे, ओ भाई साहब। और ये देख सकते हो पीछे की तरफ से निकलता है तो जो कि बहुत ही अच्छा लगता है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है देख सकते हो इसका बेस्ट, या वो भाई साहब ओपी लेवल का लगता है मेरे को ये। ओके और यहाँ पे देख लो पेंट उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका बेस्ट जो है ना बहुत ही ओपी है गाइस, ओपी है मैं बोलूँ तो। लेना चाहिए आप लोगों को यही बंडल। ओके और आप लोगों को लास्ट में भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, ओके मेल में और फीमेल में। ओके तो यहाँ पे देख लो, उसके बाद ये वाला बंडल जो कि इतना कुछ खास नहीं है गाइस, ओके लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, अगर आप लोग फीमेल का लेना चाहते हो तो ले लो गाइस, इतना कुछ खास भी नहीं है ये बंडल। ओके उसके बाद ये जो कि आ जाता है किंग, और ये देख लो भाई पुराने जमाने का आप लोग वॉरियर बन जाओ। ओके तो उतना कुछ खास भी नहीं है, आप लोग लेना चाहो तो ले लो, मेरा हिसाब से मत लो गाइस। ओके ये भी उतना कुछ खास नहीं है, वही है। ओके तो राजा महाराजा का फील आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो क्या आ चुका है हमारा जो कि क्या नाम है इस बंडल का, लिग्नेस, क्या नाम है, छोड़ दो बाइक बन। उसके बाद देख लो ये भी उतना कुछ खास नहीं है, आप लोग सर जो कि आप लोग फाइट करने की तरह लग रहे हो पुराने ज़माना का, तो उतना कुछ खास भी नहीं है ये बंडल। मैजिक क्यूब वेस्ट मत करो गाइस बेकार बंडल में। उसके बाद ये सब भी मत लो गाइस, डायमंड रॉयल में आ चुका है, कुछ इतना खास भी नहीं है ये बंडल, सब देख सकते हो क्या है भाई, कुछ भी नहीं है ये सब बंडल। ओके तो कुछ भी नहीं है ये सब बंडल। उसके बाद ये भी बंडल आप लोग के लिए ओपी नहीं है भाई, सो ये भी बंडल उतना कुछ खास नहीं है, प्लास्टिक की तरह लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। और ये बंडल भी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका जो ये है ना गाइस ये देख सकते हो ये बहुत ही ओपी है गाइस बेस्ट, लेकिन उतना भी कुछ ओपी नहीं है। आप लोग एक दो दिन, आप लोगों को नया नया तो ओपी लगेगा, लेकिन एक दो दिन वेस्ट जो कि यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को बेकार लगेगा ये बंडल, वैसा करके कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को, मैजिक क्यूब वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा है तो आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख लो ये है, ये है, ये जो कि भाई ये आप लोगों को जो कि बहुत ही ओपी है। ओके उतना कुछ खास भी नहीं है ये बंडल में भी, लेकिन इसका हेयर स्टाइल देख सकते हो बहुत ही ओपी जहर वाला लग रहा है, लेकिन इसका ये जो मुख में दे दिया गया ना इसके वजह से ये नहीं हो सकता। ओके भाई तो उतना कुछ खास भी नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे जोकर वाला फीमेल वाला बंडल, भाई जोकर वाला फीमेल वाला बंडल देख सकते हो, तो निकाल सकते हो अगर आप लोगों के पास जोकर वाला बंडल नहीं है तो गाइस फीमेल वाला। और यहाँ पे देख लो ये जो कि बहुत ही जहर वाला बंडल है भाई देख सकते हो, एंड्रू की हेयर स्टाइल हो के यहाँ पे देख लो, तो जहर वाला तो नहीं है इसका, देख सकते हो कुछ उतना खास नहीं है, जहर नहीं बोल सकते इसको, ये भी उतना कुछ खास नहीं है लड़की का बंडल। तो गाइस देख सकते हो ये यहाँ पे जो कि ये भी कुछ इतना खास नहीं है, क्या ये डायरेक्ट दे देता हूँ, ओके कोई बात नहीं, तो ये भी डायरेक्ट ही आता है तो उतना कुछ खास भी नहीं है। ओके तो उसके बाद ये वाला आ जाता है, ये वाला जो आ जाता है इतना कुछ खास भी नहीं है ये वाला भी बंडल। ओके उसके बाद आप लोग का आ जाता है ये भाई साहब मस्त है भाई ये बंडल, जिन लोगों के पास नहीं है ना फीमेल वाला ये बंडल निकाल सकते हो, और आप लोगों को बताऊंगा कि भी लास्ट में। तो ये वाला भी उतना कुछ खास नहीं है, ओके और ये वाला भी उतना कुछ खास भी नहीं है भाई देख सकते हो, आप लोग यूज़ करोगे तो उसके बाद वेस्ट हो जाएगा भाई, आप लोगों को यूज़ करने का मन नहीं करेगा। और काफ़ी सारे के बंदा बांदी के पास तो ये बंडल होगा ही होगा, ये डायमंड रॉयल में आ चुका है, और ये उतना मस्त नहीं है। ओके और ये भी आप लोगों को मस्त नहीं है गाइस, और ये बंडल भी मस्त नहीं है। ओके ये भी बंडल मस्त नहीं है, और ये वाला जो बंडल है ये उतना कुछ मस्त नहीं है, मस्त नहीं है भाई मत लो, लेकिन हेयर स्टाइल देख सकते हो जहर है, और ये भी उतना कुछ खास नहीं है, क्या है ये भाई, क्या क्या दे देता है गरीना वाले देख सकते हो, ये पुराना पुराना टाइप का लग रहा है भाई। ओके तो यहाँ पे ये भी मस्त नहीं है, और ये ईगल जो कि आप लोग निकाल सकते हो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ देख लो गाइस ईगल भी बहुत ही जहर लगता है भाई मेरे को देख सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ और कोई यूज़ भी नहीं करता है ये,
इतना कुछ मस्त भी नहीं है ना भाई। और यहाँ पे डीजे वाला भाई क्या है, ये भी मत निकालो भाई, बहुत ही टट्टी है। उसके बाद ये वाला बंडल है तो ये भी आप लोग मत निकालो, कोई इतना खास नहीं है भाई, खास नहीं है। उसके बाद मैजिक क्यूब वाला बंडल भाई, अभी तो मेरे हिसाब से सभी के पास होगा, अगर जिसके पास नहीं है तो निकाल लो मेरे हिसाब से मैजिक क्यूब वाला, ये जो कि जोकर वाला बंडल, क्योंकि जोकर वाला बंडल फ्यूचर में शायद ना दे हमें। ओके तो यहाँ पे देख लो, और बहुत ही मस्त भी है ये बंडल। अगर आप लोगों के पास जोकर वाला बंडल नहीं है गाइस तो ये निकाल सकते हो जोकर वाला बंडल, क्योंकि बहुत ही मस्त है और काफ़ी सारे बंदे के पास तो होगा ही होगा ये जोकर वाला बंडल। ओके और यहाँ पे ये वाला लास्ट में आ जाता है जो कि बहुत मस्त नहीं है। ओके अब बात कर लेते हैं आप लोगों को कौन सा बंडल लेना चाहिए। ओके गाइस तो यहाँ पे तो हमें जो कि ना ही हिप हॉप वाला बंडल दिया, ना ही इलेक्ट्रिक शॉट, या फिर ना आप लोग को आर्टिक ब्लू बंडल या फिर ब्रेक डांस बंडल नहीं देखने को मिला। ओके ये लोग चुतिया बना रहे हैं, और भी काफ़ी सारे बंडल जो कि पुराने पुराने हमें नहीं दिया गया मैजिक क्यूब स्टोर में। ये क्या है भाई। ओके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और यहाँ पे बात कर लें अब लास्ट में कि कौन सा बंडल लेना चाहिए। गाइस देखो आप लोगों के पास अगर मैजिक क्यूब वाला बंडल नहीं है ना गाइस, तो मैजिक क्यूब वाला बंडल निकाल के रख लो, क्योंकि मैजिक क्यूब वाला बंडल कोई यूज़ भी नहीं करता है ज़्यादातर बंदा। मैं देखता हूँ कि उन लोगों के पास है लेकिन यूज़ नहीं करता है, मेरे पास भी है लेकिन मैं एक बार भी यूज़ नहीं किया हूँ, सिर्फ मैंने कलेक्शन के लिए इसे रख दिया है, क्योंकि बहुत ही ओपी जहर वाला मैजिक क्यूब वाला बंडल है। ओके तो निकाल लो मेरे हिसाब से, अगर आप लोग निकालना चाहते हो और निकाल के रख दो, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों को नहीं देख भी सकता है ये बंडल, और रियर बंडल है भाई ये। ओके मैजिक क्यूब वाला यहाँ से बहुत ही ज़्यादा रियर बंडल है, अगर आप लोगों के पास है तो आप कौन सा लेना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बता दूँ यहाँ से कोई भी बंडल अच्छा नहीं है, कोई भी बंडल अच्छा नहीं है, लेकिन ये वाला जो बंडल है ना गाइस बहुत ही मस्त है गाइस, मैं बोल दूँ तो बहुत ही ओपी है भाई, ओपी बंडल है ये ओपी। तो यहाँ पे मेरे पास एक जो कि है तो मैं इसे बाई कर लेता हूँ, चलो बाई कर लेते हैं हम लोग। तो इसे हम लोगों ने बाई कर लिया है, बहुत ही जहर वाला बंडल है भाई, बिंडी इट क्या है ना, बैन इट बंडल हो भाई साहब, बहुत ही ओपी है। ओके तो ओपी है, हम लोग इसे लगा भी लेते हैं, बहुत ही जहर वाला बंडल है। ओके तो ये वाला ले लो, अगर आप लोगों के पास वो वाला है उसके बाद ये वाला ले लो, ये भी बहुत ही जहर है, और आप लोग को तो मैजिक क्यूब तो मिल ही जाएगा जो कि 14 तारीख को। ओके और मेरे पास मैंने वेस्ट कर दिया एक मैजिक क्यूब, लेकिन मुझे 14 तारीख को फिर से मिल जाएगा, और मेरा यहाँ पे भी होने वाला है। तो चलो उसके बाद बात कर लेते हैं कि फीमेल वाला में कौन सा लेना चाहिए। ये वाला ले लो गाइस, फीमेल वाला में अगर आप लोगों के पास ये भी है, उसके बाद आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, ये जो कि आप लोगों को गाइस ये वाला लेना चाहिए। ओके तो यही है गाइस, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना गाइस। ओके तो यही बंडल है, आप लोगों को लेना चाहिए। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना गाइस, दोस्तों को शेयर करो भाई।